नमस्कार, प्रभासाक्षी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कश्मीर की करेंगे। क्रिसमस नज़दीक आते ही कश्मीर घाटी में मंदिरों के साथ चर्चों में भी घंटियां बजने लगी हैं। श्रीनगर का 125 साल पुराना चर्च 30 साल बाद फिर से प्रार्थना के लिए खुल गया। 3 दशकों में पहली बार जब दर्जन भर लोग एकत्रित हुए और 125 साल पुराने सेंट ल्यूक चर्च के भीतर प्रार्थना की। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार कश्मीर घाटी में 1000 से कम ईसाइयों के साथ जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद की शुरुआत से पहले सेंट ल्यूक चर्च को प्रार्थना के लिए बंद कर दिया गया था। केंद्र के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के रूप में 90 लाख रुपए के बजट के साथ चर्च को नया रूप दिया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसका ई उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में सेंट ल्यूक चर्च का जीर्णोद्धार के बाद फिर से खोलना भगवान मसीह के बलिदान, सेवा, प्रतिदान, प्रेम और करुणा के संदेश को मनाने और आत्मसात करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। सेंट ल्यूक चर्च जम्मू कश्मीर के मिश्रित संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक है। चर्च के फिर से खुलने से ईसाई समुदाय काफी खुश नजर आ रहा है। 125 साल पुराने चर्च को उसके पुराने स्वरूप और गौरव के साथ तैयार किया गया है। कश्मीर घाटी में अमूमन ईसाई धर्म के लोग होली फैमिली कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, एमए रोड पर और चर्च लेन में एकत्रित होकर प्रार्थना करते थे, लेकिन अब उन्हें सेंट ल्यूक चर्च के भीतर भी प्रार्थना करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि सेंट ल्यूक चर्च की स्थापना 1896 में हुई थी। यह गौथिक वास्तुकला के एक सुंदर संरचना है। इसके भीतर का हिस्सा एक खटाम बंद छत है। चर्च के भीतर और बाहर के हिस्से को नया रूप दिया गया है। यहाँ सुने कश्मीरी लोगों ने प्रभा साक्षी के संवाददाता से क्या कुछ कहा। जी, बेसिकली ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव है। ये सेंट ल्यूक चर्च ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर है, जिसको ऑलमोस्ट 30 इयर्स से अबैंडन था ये चर्च। तो ये इनिशिएटिव था कि इसको रिस्टोर किया जाए। सो बेसिकली रिस्टोरेशन प्रोसेस में काफ़ी चैलेंज आए, बिकॉज इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव इन श्रीनगर सिटी। बेसिकली दिस जो आपका चर्च है, इट फॉलोज अ गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो जो फोकस था कंजर्वेशन प्रोसेस का, तो वो ये था कि जो इसमें जो मटीरियल यूज़ किया गया था उस टाइम पर, तो फोकस यही था कि उसको उस मटीरियल को इंटैक्ट रखते हुए रिस्टोरेशन वर्क्स को कैरी किया जाए। हमारा जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी का मिशन है, इसमें हमारे जो डायरेक्शंस है उसमें कि हम जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जिस्टिंग श्राइन्स है, उसमें एक कंपोनेंट है एग्जिस्टिंग श्राइन्स, इनको हम रिस्टोर कर रहे हैं। तो वन ऑफ द दिस श्राइन है जो आपके हमारे शहर में बहुत ही मशहूर है, ये सेंट ल्यूक चर्च। तो ये एक्चुअली हमने पिछले साल से, एक साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड तो हम इस पर लगातार काम नहीं कर पाए, कुछ कोविड की वजह से रोकना पड़ा। लेकिन पिछले एक दो महीने से विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जो इंजीनियरिंग टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया, हमारा जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उनके गाइडलाइंस, वो अपने उनके गाइडलाइंस के जो भी गाइडलाइंस वो उन लोगों ने इशू की हैं, तो उस हिसाब से हमने इसका काम पिछले एक महीने से कम, आज हमने इसको फिर रिस्टोर कर दिया। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है और पूरी कम्युनिटी से प्रेज मिल रहा है। और जो बाहर वाले जो अपने इसके आसपास जो और जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो बहुत सपोर्ट कर रही है, आज इसकी रीओपनिंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महवेश है। काफ़ी मंथ से काम चल रहा है चर्च पे, तो वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि वी आर इनॉग्रेटिंग इट ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।